जबकि भाई किसी बंदे ने इनको जब इनका फीडबैक पूछा तो इन्होंने बताया भाई अरे दिक्कत मतलब कंज्यूमर कोर्ट जाने की बात आ गई थी भाई साहब, और इस पे जो बताया कि थर्ड पार्टी इन्होंने कुछ पार्ट लगाया था वगैरह वगैरह, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसी की तरह भाई सस्पेंशन जब जैन टू का टूटा था, कोई भी ऑफिशियल न्यूज हमारे सामने क्यों प्रोवाइड नहीं की। एक बंदे ने तो भाई घर पे अपनी जैन टू खोल ली थी, जो बंदा भाई देख रहा होगा तो इमेजिन करिए क्या बीत रही होगी, जो कि भाई अगेन सिर्फ 150 किलोमीटर पर। हे गाइस वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडक व्लॉग। तो भाई साहब अभी तक जेन 2 प्रोडक्ट जब से आ गए भाई सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कि भाई एसोनियर की मोटर जा रही है, किसी की बैटरी डेड हो रही है, और किसी किसी के जेन 2 के तो बहुत ज्यादा ही न्यूली लॉन्च स्कूटर के इशू देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। क्योंकि भाई अगेन आपको अगर बताऊं तो हमने जब से भाई ग्रुप खोला है जब से क्या हो रहा है पता नहीं, सिर्फ दिन भर भाई हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सुनने के लिए मिल रहा है। जो कि भाई एसोनियर का मैंने आपको बताया था, जो हमारे भाई थे आयुष श्रीवास्तव भाई, जिनकी बैटरी भाई 1700 किलोमीटर पर मैच चेंज हो चुकी थी। उसी के साथ भाई नेक्स्ट अगर देखे तो सेम टू सेम केस निकल कर आया, जो कि स्टेलर ब्लू का है, उनकी भी 1700 किलोमीटर पर जो मोटर है वो खराब हो गई है, जिसमें कि भाई आप देख सकते हो हमारे ग्रुप के मेंबर है, इन्होंने हमारे साथ में वीडियो भी शेयर किया और यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है भाई 1700 किलोमीटर चलाने के बाद अब मोटर ही पूरा चेंज होगा। जो कि भाई इनका वीडियो भी आप लाइव देख सकते हो उसमें कैसी साउंड आ रही है कैसी नहीं। तो सबसे पहले भाई ये थोड़ा सा वीडियो जो है वो आप देख लीजिए और ये आवाज भी भाई सुन लीजिए। जो कि भाई जिन लोगों को भी जिनके पास एयर है उन लोगों को अगर इसकी दिक्कत जा रही है और ऐसा साउंड अगर भाई मोटर में आपको आता है तो प्लीज भाई जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट शोरूम पे जाइए, सर्विस में स्कूटर को दिखाइए और मोटर जो है वो अपनी चेंज होकर मिल जाएगी। और उसी के साथ में भाई बता दूं तो ये जो प्रॉब्लम है भाई एकदम नॉर्मल है, जैसे कि अगर देखा जाए तो बैटरी की वारंटी है, हमारी मोटर की वारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये चेंज हो ही जाएगा, लेकिन भाई इतने जल्दी ये खराब होना बहुत बड़ी गलत बात निकल कर आती है। जो कि भाई जेन 2 प्रोडक्ट एकदम अपग्रेडेड हो गए और बहुत ज्यादा बढ़िया हो गए ये ओला ने दावा किया था, बट अगर भाई सबसे पहले बात बताऊं तो अब इसका अप्रूवल जाएगा, इनको मोटर मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन भाई इसमें जो कस्टमर का टाइम होता है उसका क्या। अब अगर भाई किसी के पास हमेशा मैं कहता हूं स्कूटर नहीं है, अगर कोई भाई स्टैंड बाय पे अपना स्कूटर नहीं रख पाता है तो उसको कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। उसी के साथ भाई नेक्स्ट अगर देख ले तो जेन 2 के भी ऐसे कई सारे किस्से निकल कर आ रहे हैं कि भाई किसी किसी के फ्यूज उड़ जा रहे हैं और किसी किसी के तो भाई स्कूटर 8 दिन तक सेंटर पर खड़े हैं। जो कि भाई जहां मैं रहता हूं वहां से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनके कि भाई आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है, जो कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी जेन 2 डेट करके। ओके तो उसके अंदर भी अगर आप देखा जाए भाई तो 7 दिन से स्कूटर वहां पर सेंटर पर खड़ा है। तो इसके ऊपर इनका क्या कहना है भाई आप स्क्रीनशॉट पर देख भी सकते हो, भाई 4 दिन से गाड़ी जो है वो सर्विस सेंटर पर है, राइट, 1 दिन गाड़ी 60 किलोमीटर घुमाई है भाई और बोलते हैं ट्रायल ले रहे हैं, नाउ गाड़ी जो है मेरी 3 दिन से खड़ी है, एक केबल डालने को 4 दिन लग गए, भाई आज मैं जाकर देखता हूं और जो सर्विस की अपडेट है वो मैं आपको जरूर करता हूं। और भाई वाकई में इनका जो स्कूटर है सेंटर पर खड़ा भी है, जिसकी फोटो भी इन्होंने हमारे साथ शेयर की आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर, जो कि भाई अगेन बहुत ज्यादा गलत बात निकल कर आती है। और उसी के साथ भाई जब से हमने ग्रुप खोला है अगेन आपको बता रहा हूं कि प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि भाई जनरली जो छोटी मोटी चीजों की दिक्कत आ रही है ग्रुप मेंबरी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि भाई अभी अगर फॉर एग्जांपल बताऊं, एक बंदे ने तो भाई घर पे अपनी जेन 2 खोल ली थी और जो ये फ्यूज वगैरह उड़ते हैं, जो कि भाई एसोन एयर में भी कई ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है, जो कि भाई के अंदर होता है उसे अगर एक बार निकाल के लगा दिया जाए तो स्कूटर चालू हो जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है भाई घर पे ही सॉल्व हो रहे हैं एज अ ग्रुप के थ्रू, तो प्लीज भाई आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको भी बहुत ज्यादा आसानी जाए। अब तो ऐसा प्रॉब्लम बताने वाला ना भाई कि आप भी शॉक हो जाओगे, जो कि भाई अगेन मैंने इसी निदेश सोनी भाई का आपको जो है स्क्रीनशॉट भी बताया था, जो कि इनके स्कूटर में बहुत ज्यादा पैनल गैप थे तो इन्होंने जो है अपनी डिलीवरी कैंसिल की थी। तो अब आप देख सकते हो भाई इनका भी क्या कहना है, इनका भी एक स्क्रीनशॉट आया है जो कि आप लोगों के लिए भाई डिलीवरी के वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा और इन्होंने इन रियल लाइफ बस 8 दिन के अंदर भाई ये सारे प्रॉब्लम जो है फेस किए हैं। इनका कहना है भाई वो मेरे एस1 प्रो जेन 2 स्टेलर ब्लू कलर बुक किया था तो अभी अक्टूबर 20 के आसपास मेरी गाड़ी सेंटर पर आ गई थी, तो इस समय जब मैं डिलीवरी लेने गया तो ऐसे में मुझे जो है बिग पैनल गैप देखने मिला, सो आई रिजेक्टेड द स्कूटर, फिर मेरे को ठीक करके दिया पर मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला भाई। जो कि देखा जाए भाई तो मैंने 24 अगस्त को दशहरा था तो अपनी स्कूटर ले ली थी और जब इसके बाद 150 किलोमीटर स्कूटर चलाया तो मेरी जो मोटर है भाई वो खराब हो चुकी है। जबकि भाई किसी बंदे ने इनको जब इनका फीडबैक पूछा तो इन्होंने बताया भाई अरे दिक्कत मतलब कंज्यूमर कोर्ट जाने की बात आ गई थी भाई साहब, और जब भाई मैंने सेंटर वालों को बोला कि मेरे को ठीक करके चाहिए, कोर्ट जाने की धमकी दी इसलिए करके दिया, नहीं तो गाड़ी को कोई हाथ लगाने वाला भी भाई तैयार नहीं था। तो भाई आप देख सकते हो किस तरीके की दिक्कतें अपने जो ओला कस्टमर को है वो जाती है, जिसके लिए भाई मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि कस्टमर को जो है रेडी रहना जरूरी है। जिसमें कि जब भाई इन्होंने सर्विस बुक करी तो आप देख सकते हो इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, इनका जो सर्विस वाले बंदे भाई स्कूटर को जो है टो करके लेके जाने के लिए इनके पास वैन तक नहीं आई थी, जो कि 8 किलोमीटर तक इनके बंदों का कहना था कि हम खुद स्कूटर को ऐसे टो करके ले जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो 2 बंदे हैं अलग अलग स्कूटर पर बैठे हुए और वो एक में कोई अपने टो करते हुए स्कूटर को लेके जा रहे हैं, जो कि भाई ये बहुत ज्यादा घटिया सर्विस का पार्ट निकल कर आता है। अब ये जो बंदा भाई देख रहा होगा तो इमेजिन करिए क्या बीत रही होगी, जो कि भाई अगेन सिर्फ 150 किलोमीटर पर अपनी मोटर चले जाना बैटरी चले जाना बहुत ज्यादा वर्स्ट पार्ट निकल कर आते हैं, जो कि भाई आपने जो प्रॉमिस किया था जेन 2 वो कहां पर है। उसी के साथ भाई जो ये फायर इंसिडेंट हुआ उस पे भी इन्होंने आगे आके बात की और इस पे जो बताया कि थर्ड पार्टी इन्होंने कुछ पार्ट लगाया था वगैरह वगैरह, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसी की तरह भाई सस्पेंशन जब जेन 2 का टूटा था, कोई भी ऑफिशियल न्यूज हमारे सामने क्यों प्रोवाइड नहीं की भाई, जो कि भाई जेन 2 प्रोडक्ट आपका मोस्ट सेलिंग स्कूटर है उसके बारे में तो आपने सबसे पहले स्कूटर के बारे में लोगों को आके बताना था, जो कि ये आपका सही सच माना जाता। इससे अच्छे जेन 1 अच्छे थे, सिर्फ उसमें सस्पेंशन ही
अपग्रेड आपको करना था, जो कि आपने इस चक्कर में सब कुछ पूरा खेल बिगाड़ दिया है भाई साहब। इस बात से कितने लोग एग्री हो गए भाई, ये भी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताया। तो ये थे भाई ये सारे जेंटू के प्रोडक्ट जो भी निकल कर आ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मेरे थॉट्स और हमारे जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको जो भी सारी चीजें समझ में आ रही है उनके थॉट्स। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो है अपना हार्ड मनी कहीं भी गलत जगह वेस्ट ना करो, जो कि भाई अगेन अगर बताऊं तो जैन वन के अंदर भाई इतने ज्यादा प्रॉब्लम तो कभी देखने के लिए नहीं मिले थे, जो कि वो स्कूटर जो है भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे। और भाई जाते जाते आप लोगों को एक ही चीज बताऊंगा कि प्लीज भाई अभी जिन लोगों ने ले लिया है ठीक है, लेकिन भाई जो लोग भी आप स्कूटर बाय करना चाहते हैं प्लीज भाई जैन या फरवरी तक रुक जाइए, जो कि भाई आपको सेकंड थर्ड लॉट के जो स्कूटर है वो मेरे हिसाब से भाई शायद वेल मेंटेन और वेल अच्छे तरीके से जो है आपको सही तरीके से वर्किंग के अंदर मिले। तो भाई ये थी सारी आज की कुछ अपडेट और आई होप यू लाइक द वीडियो, और इसमें भाई कुछ भी गलती हुई हो और अगर आपका भी इस पे क्या बोलना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं भाई ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब टेक केयर बाय।